कौन इसका सेवन कर सकता है? काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का हो, ये बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी, सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है वो काशीवासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है, देखती है, इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सब के साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से, काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की,
लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते हुए आखिर में क्या कहा, नेति नेति ही कहा है। यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रुयो, शिव शब्दार्थ चिंतिका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वम शरणम याया समय बुद्धि प्रदाश्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगतगुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली।
उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यही की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति, चार जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ रामगुरु गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक, कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीति तो राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ नाथ 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 नाथ। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीति तो राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहल्याबाई होलकर को आज इतना कुछ किया था। तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था, इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा। अरब ये विश्वनाथ धाम परिसर अपने भव्य रूप में इस चेतना को और ऊर्जा देगा। साथियों,
फिर भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भांति जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणम आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक के लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माध्वाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों,